मैं विवश हूं सखी। मनुष्य को अपनी विजय अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करनी चाहिए और आप सबको आपकी विजय आपके पुरुषार्थ से ही मिलेगी। पति और पत्नी तो एक आत्मा माने जाते हैं गोविंद। मैं अपने पति की सहायता अवश्य करूंगी। अवश्य। वास्तव में मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था सखी। ये युद्ध तुम्हारा भी है। तुम्हारी सहायता के बिना ये युद्ध पूर्ण नहीं हो सकता। अरे पुत्रों, इस युद्ध का संकल्प तो आप पांचों ने मिलकर लिया था ना? तो युद्ध केवल आर्य पुत्र भीम क्यों कर रहे हैं? मुझे सुखद पूर्वाभास हो रहा है पांचाली, तुम अवश्य दुर्योधन की निर्बलता का रहस्य लेकर आई हो। जी आर्य पुत्र, सुनो दुर्योधन, संसार में मनुष्य के माता पिता के कर्म उसे कितनी भी सुरक्षा क्यों ना प्रदान करें, मनुष्य के अपने पाप उसकी निर्बलता बन ही जाते हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाप अवश्य तुम्हारी निर्बलता है। मेरी कोई निर्बलता नहीं, मैं सबसे शक्तिमान हूँ। तुमने सदा ही अहंकार को अपने जीवन का केंद्र बनाया है दुर्योधन, इसीलिए तुमने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया। अवश्य तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी निर्बलता है। उठो भीम, भ्राता दुर्योधन के हृदय पर प्रहार करो। असत्य युधिष्ठिर, मैंने अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपनी पत्नी से और अपनी संतानों से प्रेम किया है युधिष्ठिर। मेरे हृदय पे तुम्हारा प्रहार तो क्या समग्र हिमालय गिरेगा, तब भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। आपका मस्तक आपकी निर्बलता है। जहां पर अधर्म वास करता है, भ्राता भीम, इनके मस्तक पर प्रहार कीजिए। सिद्ध कर दिया तुमने नकुल, मेरे मस्तक पर धर्म है। तुम्हारा आभार, मैं तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। युवराज दुर्योधन, आपने अपने पूर्वजों को लज्जित किया है। मैं जान गया हूं कि आपकी सबसे बड़ी निर्बलता आपकी वासना, आपकी लालसा है। संपूर्ण नग्न होकर अपनी माता के सामने प्रकट होने का आत्मविश्वास आप में नहीं रहा होगा युवराज दुर्योधन। जिनका हृदय साफ होता है वो अपने माता पिता के सामने प्रकट होने से भयभीत नहीं होते। आपने अपनी कुलवधु को, अपने भाइयों की पत्नी को अपनी संगा पर बैठने का निमंत्रण दिया था, वही आपका सबसे बड़ा पाप था और वही आपकी सबसे बड़ी निर्बलता थी। दुर्योधन, अपनी जंघा का रक्षण करो। भीम, तुम गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध प्रहार कर रहे हो। भीम, दुर्योधन, मैं अपने प्रण के अनुसार प्रहार कर रहा हूँ। मरण करो दुर्योधन, तुमने इसी जंगों पर पांचाली को बैठने के लिए कहा था ना? इसी जंगा को तोड़ने के मेरे प्राण का स्मरण करो दुर्योधन। अपनी मृत्यु से कब तक भागोगे दुर्योधन? भीम, तुम गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते।